छात्रों की मांगों को लेकर संयोजक विकास चौधरी युवा एच के एम कॉलेज के अध्यक्ष पवन भाभू भरसाना गुरुद्वारा बड़ी टंकी पर चढ़ गए। कॉलेज छात्रों का मामला पूर्ण होता नजर आ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी टंकी पर छात्र हित के लिए छात्र नेता चढ़ गए। एसआई जियाराम मेघवाल के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन जाब्ते से मौके पे व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश में पहुंचा। मामला केशवानंद महाविद्यालय मतदाता सूची की जांच करने की बताई जा रही है। वहीं छात्र नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूची में हो रही धांधली होना बताया जा रहा है। टंकी पर चढ़े युवाओं को देखने वालों की भीड़ भी जमा हो गई। माहौल काफी उग्र नजर आ रहा है। आखिरकार काफी समय से चल रही जद्दोजहद फिर उपखंड अधिकारी संजू पारी के समझाइश पर समाप्त हुई। सारा मामला एसडीएम की देखरेख में समीक्षा में आश्वासन के बाद दोनों छात्र नेता नीचे उतरे, मामला शांत हुआ। मैं विकास चौधरी और मेरे साथी छात्र संघ अध्यक्ष पवन कुमार जी भांबू, आज हम गढ़साना के स्वामी केशवानंद महाविद्यालय द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके विरोध में अपनी मांगों को लेकर अंतिम रास्ता अपनाते हुए गढ़साना के टंकी पानी की टंकी पर चढ़े। हमारी ये बाइक, हमारा ये वीडियो पत्रकार बंधुओं के लिए हमारी मांगे हैं। अस्थायी मतदाता सूची में जिन विद्यार्थियों की फीस बकाया है, बकाया कागज पत्र बताए हैं कॉलेज प्रशासन, बकाया फीस, बकाया कागज पत्र सभी विद्यार्थी से जमा करवाकर विद्यार्थी का नाम स्थायी मतदाता सूची में जोड़े। दो नंबर मांग, स्थानीय प्रशासन सभी विद्यार्थियों के कागज पत्र की जांच करें और जिस विद्यार्थियों के संपूर्ण कागज हो उनका नाम ही मतदाता सूची में जोड़ें। नंबर तीन, 20 अगस्त को प्रवेश के लिए की गई कार्रवाई को कैमरे रिकॉर्डिंग में चेक करने का काम उत्खंड प्रशासन करें। नंबर चार, कोई विद्यार्थी अपनी फीस चेक के माध्यम से देता है तो उसका चेक निर्धारण समय में पास हो उसी विद्यार्थी का नाम मतदाता सूची में जोड़ें। मतलब आज 20 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक यदि चेक क्लियर होता है उसी का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम कॉलेज प्रशासन करें। पांचवी मांग, विद्यार्थी का प्रवेश विश्वविद्यालय नियम के तहत हुआ हो उसकी संपूर्ण जांच उपखंड अधिकारी करें। छठी मांग, एक विद्यार्थी एक चेक के माध्यम से ही फीस का भुगतान करें यह सुनिश्चित उपखंड प्रशासन करें। आज हमारी मांग है कि एसके कॉलेज ने कल 19 अगस्त तक सुबह तक जो 180 एडमिशन थे उन्होंने फर्जी तरीके से 417 एडमिशनों को विद्यार्थियों के प्रवेश को अस्थायी मतदाता सूची में जोड़ दिया, जो कि दूसरे विद्यार्थियों के लिए नाइंसाफी है। उनके साथ लोकतंत्र की हत्या करने का काम कॉलेज प्रशासन कर रहा है। जब एक व्यक्ति विशेष, एक संगठन विशेष की कॉलेज प्रशासन खुले तौर पर मदद कर रहा है, एबीवीपी मांग करती है कि गढ़साना का संपूर्ण प्रशासन अब कॉलेज की जांच करे और जो नियमों के तहत लिंग दो कमेटी के तहत प्रवेश हुआ हो, विश्वविद्यालय नियम के तहत प्रवेश हुआ हो, उसी प्रवेश को मतदाता सूची में वोट के नाम पर जोड़ा जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। 143 एडमिशन वो हुए थे जिनकी फीस डॉक्यूमेंट पूरे सब कुछ जमा थे, बाकी जो एडमिशन है उनके सिर्फ डॉक्यूमेंट पूरे जमा नहीं है, उनकी फीस जमा नहीं है। उनके मतलब 4-4 साल के जो गैप थे उनके लड़कों का भी एडमिशन उसमें दिखाया गया है। हमारी मांग ये है कि मतलब जो कॉलेज प्रशासन एक ही चेक लेके बाकी सबका एडमिशन कर रही है, हमारी मांग ये है कि हर स्टूडेंट अपना खुद कॉलेज में आकर एडमिशन करवाए, उसके एक ही चेक 2000 रुपये का देकर वो करे, ना कि 1,00,000 का चेक देके बोल रहे हैं कि हमारे एडमिशन सब टोटल हो गए। हमारी मांग ये है कि एक स्टूडेंट अपने 2000 का चेक दे, हमको 150 डॉक्यूमेंट है उनके 150 ही चेक होने चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करोगे? हमारी मांग नहीं होती है तो हमारे विकास जी चौधरी और पवन जी बामू जो विभाग प्रमुख है वो ऊपर से नहीं उतरेंगे टंकी पर। अब तो नारा लगा ए बीबीपी।